अपने शिव जी के लिए, अपने भोले भंडारी जो मेरे शिव गुरु हैं उनके लिए मैं आज ड्राई फ्रूट्स की रबड़ी बना रही हूँ, जिसमें 200 ml दूध ली हूँ, जिसमें मुझे अच्छे से इसको पूरा उबालना है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये उबल चुका है। अब मैं इसमें ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स रखी हूँ, जिसमें 6-7 कटे हुए टुकड़े बादाम के हैं, 7-8 काजू के हैं टुकड़े, 1 चम्मच के लगभग नारियल पाउडर है, 7-8 मखाने के टुकड़े हैं और 10-12 ये किशमिश है जिसे मैं टुकड़े में काट ली हूँ। अब इसको मुझे तल के इसे सुखाना है, मतलब थोड़ा मुझे इसे रबड़ी की तरह तैयार करनी है, जिसे मुझे तेज आंच पे इसे चलाती रहूंगी। ये देखिए सूख रहा है, पर मुझे अभी और इसे थोड़ा सुखाना है। ये देखिए हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे मैं गैस अब बंद कर रही हूँ। गैस बंद करने के बाद ये 50 ml हनी है, इसको मैं डालूंगी। अगर आप मीठा कम यूज करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। देखिए इतना मैं रख रही हूँ क्योंकि बहुत मीठा हो जाएगा। ये हमारी ड्राई फ्रूट्स की रबड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे मैं निकाल रही हूँ क्योंकि ये भोग के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं ये शिवजी को इसका ड्राई फ्रूट्स की रबड़ी का जो मैं प्रसाद बनाई हूँ उसके भोग लगाऊंगी। ये मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है प्रसाद चढ़ाने के लिए।